लामता थाना क्षेत्र के ग्राम मौरिया में एक युवक को ग्रामीणों ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया, जिससे उपचार के दौरान गोंदिया के एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग को प्रमुख वजह माना जा रहा है, लेकिन घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल एक प्रेस नोट जारी करते हुए युवक की मौत का कारण जहरीले कीड़े के काटने को बताया है। वहीं मारपीट वाले वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने बलवा और मारपीट की धाराओं में अपराध दर्ज करते हुए चार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार लामता थाने में 30 जुलाई 2023 को एक नाबालिग फरियादिया की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके साथ लालबर्रा क्षेत्र के अमोली निवासी रुपेश बिसेन ने दुराचार कर अश्लील वीडियो को वायरल कर दिया, जिसके तहत पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध धारा 376 पाक्सो एक्ट एवं आईटी एक्ट की धाराओं में अपराध दर्ज किया था। इसी दौरान आरोपी युवक रुपेश बिसेन का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें लामता के मौरिया गांव में कुछ लोग उसके साथ जमकर मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी आधार पर पुलिस ने 31 जुलाई को बलवा और मारपीट की धाराओं में अपराध दर्ज कर चिकित्सीय उपचार के लिए उसे गोंदिया रिफर कर दिया, जहां पर आज उसकी मौत हो गई। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस इस घटना को जहरीले कीड़े से जोड़कर देख रही है, लेकिन मृतक के परिजन इसे ग्रामीणों की मारपीट का नतीजा बता रहे हैं। इसी को लेकर आज मृतक रुपेश बिसेन के परिजन और अन्य लोगों ने लालबर्रा थाने का घेराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो में चिन्हित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इधर इस पूरे मामले पर मृतक के परिजनों का आरोप है कि युवक का लामता मौरिया निवासी युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते वह लड़की के कहने पर उसके गांव गया था, जहां ग्रामीणों ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में कहा है कि मामला काफ़ी संवेदनशील होने के कारण मजिस्ट्रियल जांच के आदेश किए जा चुके हैं। फिलहाल पीएम रिपोर्ट अप्राप्त है, इसके बाद ही युवक की मृत्यु के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। वो वीडियो भी वायरल हुआ तो इसके बाद हम लोगों ने तत्काल उसमें पिटाई के संबंध में संज्ञान लेते हुए FIR भी की, और इसको जो पीड़ित था जिसको चोट लगी थी उसको तो हम लोगों ने गोंदिया रेफर करवाया। गोंदिया में इलाज के दौरान उसकी आज अर्ली मॉर्निंग उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर्स ने जो ट्रीटमेंट किया है, जिससे मैंने बात की है, और प्रारंभिक जो जाँच है उसमें बॉडी पे एक्सटर्नल इंजरीज़ के कोई भी बाहरी चोट के कोई भी निशान नहीं थे, लेकिन और डॉक्टर का ये भी कहना था कि स्क्रब टाइफस नामक एक इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके कारण उसको जहर उसके बॉडी में फैला था, जिसके कारण उसकी डेथ हुई। चूँकि गोंदिया में इसकी मृत्यु हुई थी और प्रकरण थोड़ा संवेदनशील था, तो इसलिए हम निवेदन करने के बाद इसमें मजिस्ट्रियल जाँच भी आदेशित कर दी गई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई गोंदिया में जारी है, और मुझे लगता है कि उसकी रिपोर्ट आने पर ही पूरा स्पष्ट हो पाएगा कि युवक की मृत्यु कैसे हुई है। जहाँ तक उस वीडियो का सवाल है, जहाँ पर इसके साथ कुछ लोग पिटाई करते हुए दिख रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने चिन्हित करके चार आरोपियों को ऑलरेडी राउंड अप कर लिया है, और बाकियों के सामने पूछताछ भी की जा रही है। तो इसमें पुलिस की तरफ से तो ये बताना चाहूँगा मैं कि जो भी कार्रवाई है वो नियमानुसार होगी। यदि पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट आता है कि चोट के कारण मारने के कारण उसकी मृत्यु होती है, तो हम लोग इसमें उचित धाराओं में कार्रवाई भी करेंगे।